लिखते हैं उमर साहब औरंगाबाद से, क्या रोज़े के लिए ज़बान से नियत ज़रूरी है या फिर दिल से? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने सवाल किया है कि क्या नियत ज़बान से होगी, यानी रोज़े के लिए ज़बान से होगी या फिर दिल से होगी। जैसे आपने नियत कहा, नियत ये जो वर्ड है इसको, इसका ताल्लुक दिल से है। अगर आप जबान से करेंगे इसको कहते हैं अरबी जुबान में तलफ्फुज़। जैसे मिसाल तौर पे ऐसे, क्या आदमी हाथ से देखता है या आंख से देखता है? तो मैं कहूंगा सवाल गलत है। जाहिर बात है आंख से देखता है ना कि हाथ से। तो इसी तरह क्या जबान से नियत होती है या दिल से? तो मैं कहूंगा नियत का जो वर्ड है वो इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नियत है। नियत कहते हैं कि दिल की बात को, दिल से नियत जो की जाती है वही नियत का नाम है। जबान से नियत का कोई सबूत भी नहीं है और जो वर्ड है वो खुद इस बात की दलील है कि जबान से कोई नियत नहीं होती। जैसे नवई तो नसूम गदल्लाह तआला, जो आमतौर पर दुआ सिखाई जाती है, कुरान और सही अहादीस में कहीं पर भी यह दुआ का जिक्र नहीं है। आप सोने से पहले जो इरादा करते हैं कि कल मैं रोजा रखूंगा, यही नियत काफी है, इसी को कहते हैं दिल के इरादे को नियत कहते हैं। अलबत्ता खाली हज के अंदर खास तौर से कहा गया कि दिल के इरादे के साथ साथ जुबान से भी जिक्र करो। खास तौर से जिक्र आया लब्बैक हज्जन लब्बैक उमरतन, तो वहां पर नियत के साथ साथ तलफ्फुज भी जरूरी है। हज और उमरे के अलावा कहीं पर भी दिल के साथ जुबान को ऐड करने का सबूत नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ।